सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर को आया हार्ट अटैक, बहुत कुछ उन्होंने खुद सामने आकर बताया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंट्रो न्यूज पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये रिश्ता क्या कहलाता है में मोहसिन खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला टीवी का शोज में से एक रहा है। सीरियल 2009 से चल रहा है और मोहसिन ने दूसरी पीढ़ी में एंट्री की थी। उन्होंने टीवी सीरियल में कार्तिक गोयनका का किरदार निभाया था। शिवांगी जोशी के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। नायरा और कार्तिक की प्रेम कहानी को आज भी फैंस देखना चाहते हैं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन्हें बेहतरीन जोड़ी बनाती है और ऑफ स्क्रीन भी उन्होंने एक अच्छा रिश्ता शेयर किया है। कार्तिक और नायरा की कहानी का अंत उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा दुख था। कई लोगों ने मेकर से गुजारिश भी की थी कि कहानी को इतनी जल्दी ख़त्म ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आज भी मोहसिन को उनकी एक्टिंग के लिए पसंद किया जाता है। कार्तिक के रूप में मोहसिन एकदम परफेक्ट चॉइस थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ने के बाद मोहसिन कई सारी म्यूजिक वीडियोस और वेब सीरीज़ में काम करते हुए नजर आए। मोहसिन ने हाल ही में इस राज से पर्दा उठाया था कि वो काफ़ी समय से ब्रेक पर क्यों थे। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि सेहत के कारण उन्होंने ब्रेक लिया। एक्टर ने बताया कि उन्होंने 1.5 साल का ब्रेक लेने का फैसला किया था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें फैटी लीवर की दिक्कत है और पिछले साल उन्हें हल्का हार्ट अटैक भी आया था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन ये बहुत बुरा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इसके लिए उन्हें 2-3 अस्पताल बदले, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो अब ठीक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद नींद के पैटर्न में गड़बड़ी के कारण हुआ होगा, और फैटी लीवर उन लोगों को भी होता है जो शराब नहीं पीते हैं। मोहसिन ने अंत में ये कहा। क्या कहना चाहेंगे इन सब पर नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।